नॉलेज कंटिन्यूटी की हम बात कर रहे हैं कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिससे नॉलेज जो है वो उसकी कंटिन्यूटी जारी रहे और इसका तरीका ये होता है कि जो लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं या रिटायर हो रहे हैं या उनको जॉब से निकाल दिया गया है उनके पास जो इम्पोर्टेंट या क्रिटिकल नॉलेज है उसको हम जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उस तक कैसे मुंतकिल करें आ, इसके लिए मुख्तलफ़ मॉडल्स और मख्तल तरीक़े हमने पहले भी डिस्कस किए इस वक्त हमारे सामने है एक थ्री टियर्ड अप्रोच टू नॉलेज कंटिन्यूटी आइए देखते हैं इसको थ्री टीयर क्यों कहते हैं अ नॉलेज कंटिन्यूटी मैनेजमेंट प्लान दैट एड्रेस नॉलेज ट्रांसफर एट दीज थ्री लेवल्स और ये थ्री लेवल हैं इंडिविजुअल ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशनल टू इंश्योर दैट टेंजिबल लेगेसी मटीरियल्स आर प्रोड्यूस्ड शेयर्ड

इसमें देखिए नॉलेज ट्रांसफ़र की अप्रोचेज हैं कि नॉलेज ट्रांसफ़र एट इंडिविजुअल लेवल इसके मीनिंग क्या है कि इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज विद एक्सपर्ट्स कि इंडिविजुअल के स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ किए जाएं एक्सपर्ट्स खास तौर पर उनसे नॉलेज जो है वो कैप्चर किया जाए उसके बाद है नॉलेज ट्रांसफ़र एट ग्रुप लेवल इसमें क्या किया जाए कि फैसिलिटेटेड वर्कशॉप्स विद कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस मेंबर्स कि कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस के ख़ास तौर पे जो सीनियर मेंबर्स हैं उनके साथ ग्रुप मीटिंग्स करवाई जाएं वर्कशॉप्स का इंतजाम किया जाए जहाँ पे नॉलेज ट्रांसफ़र हो और तीसरा फिर है ऑर्गेनाइजेशन या एग्जैक्टिव लेवल पे उसका तरीका है स्टोरी टेलिंग वर्कशॉप्स एंड इंडिविजुअल इंटरव्यूज़ विद की कि जो एग्ज़ेक्टिव लेवल के ऑफ़िसर्स हैं उनके साथ इंटरव्यूज़ किए जाएँ या स्टोरी टेलिंग के सेशनस किए जाएँ ताकि उनका नॉलेज भी आगे ट्रांसफ़र हो अब आइए देखते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पर जब हम बात करते हैं तो किस तरह का नॉलेज जो है उनके पास होता है और उसे कैप्चर किया जा सकता है और आगे ट्रांसफ़र किया जा सकता है जैसे मिसाल के तौर पर ऑपरेशनल लेवल का जो नॉलेज है वो इंडिविजुअल्स के पास होता है जो कि प्रोसेस में नज़र आ रहा होता है फिर एनेक्डोटल नॉलेज होता है जिसमें वो स्टोरी सुनाते हैं कहानी सुनाते हैं उसमें फिर लेसन लर्नड उनके पास होते हैं वो उनसे कैप्चर किए जा सकते हैं फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस उनके पास होती हैं लेसन uh, लर्न से यहाँ मुराद ये यह है कि इसमें आमतौर पर फेलियर ज़्यादा आते हैं जबकि बेस्ट प्रैक्टिसज़ में आमतौर पर सक्सेस स्टोरीज़ होती हैं फिर वे टू तो फाइंड नॉलेज एंड एक्सपर्ट्स कि उनके पास ये भी नॉलेज होता है इंडिविजुअल के पास कि नॉलेज दूसरे शख्स से कहाँ से लेना है जब ज़रूरत पड़ेगी नॉलेज कैसे हासिल करना है तो इन टाइप्स का जो नॉलेज है वो इंडिविजुअल से हासिल किया जाता है और फिर दूसरे इंडिविजुअल को सिखाया जाता है इस तरह का नॉलेज जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो जो टेंजिबल बाय प्रोडक्ट्स बनती हैं या जो चीज़ें सामने आती हैं जो नज़र आती हैं वो कौन सी होती हैं तो इंडिविजुअल लेवल पे मैप ऑफ़ की नॉलेज बनता है मैप ऑफ की कॉन्टेक्ट्स बनते हैं या मेंबरशिप्स की लिस्ट बनती है इंडिविजुअल के साथ नॉलेज कैप्चर करने के बाद हमारे पास ग्लॉसरी ऑफ डिसिप्लिन बनती है एक ख़ास फील्ड की ग्लॉसरी जिसमें टर्मनोलॉजी और उनकी डेफ़ीशनस होती हैं इस तरह की ग्लॉसरी बनती है उसके मीनिंग्स होते हैं फिर इंटरव्यू टैंपलेट्स बनते हैं फिर इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट बनते हैं जब उनसे इंटरव्यू लेते हैं तो वो ट्रांसक्रिप्शन की शक्ल में हमारे सामने एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में आ जाते हैं उसमें फिर की टास्क एंड टास्क स्पोर्ट्स सिस्टम्स हैं कि जो वो टास्क करते हैं उस नॉलेज को हम कैप्चर करें और उसको किसी सिस्टम में कन्वर्ट करें इसी तरह जब हम ग्रुप लेवल पर जाते हैं तो ग्रुप लेवल पर कौन सा जो नॉलेज है वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है जैसे कि टैक्टिक इसमें टैक्टिकल है टैक्टिकल का मतलब ये है कि जब एक ग्रुप काम करता है तो ग्रुप का एक सुपरवाइज़र होता है और टेक्टिकल लेवल जो है नॉलेज का उसके मीनिंग ये है आमतौर पर जो मिडल मैनेजर्स यूज़ करते हैं या क्रिएट करते हैं नॉलेज फ़्लो फैसिलिटेटर्स हमारे सामने आते हैं कि जब हम ग्रुप लेवल का काम करते हैं नॉलेज ट्रांसफर का इसमें फिर नॉलेज फ़्लो ब्लॉक्स बनते हैं कि नॉलेज फ़्लो के जो छोटे छोटे ग्रुप हैं वो कौन से हैं वो हमारे सामने आते हैं फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस होती है कि कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस कौन सी किसने यूज़ करनी है किस ग्रुप की कम्युनिटी कौन सी है और उस कम्युनिटी ऑफ़ प्रैक्टिस में किस तरह का डाटा या इंफॉमेसन शेयर की जा रही है उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी क्या है और उसकी टाइप्स कौन सी हैं तो इस तरह का जो डाटा या नॉलेज है वो हमारे सामने आता ग्रुप की शक्ल में इसमें टेंजिबल्स क्या होते हैं कि वर्कशॉप अगर आपने कराई तो उसके उसके नोट्स की शक्ल में हमारे सामने डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है नॉलेज रिपॉजी डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन होता है कि एक नॉज रिक्वासिटी आप उस नॉलेज की मदद से बना सकते हैं कि जो नॉलेज आपने ग्रुप लेवल पर कैप्चर किया उसके बाद मैप ऑफ सोशल इंट्रैक्शनस विद इन कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस एंड विद एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स कि जब आप कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस को स्टडी करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इंटरेक्शन किस तरह की हो रही है उसकी उसकी मैपिंग कर सकते हैं इसी तरह से ग्रुप्स के बाहर जो लोग हैं उनके साथ उनका इंटरेक्शन कैसा होता है उसकी भी आप मैपिंग कर सकते हैं तो एक ग्राफिकल शेप में या एक लिस्ट की शक्ल में आप इस मैपिंग को शो कर सकते हैं अब आ जाते हैं एग्जेक्टिव लेवल पे या ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन लेवल है उस पर उसमें किस तरह का नॉलेज होता है जो ट्रांसफ़र होता है वो है स्ट्रेटजिक कंसेंसिस रिगार्डिंग की इंटेलेक्चुअल एसेट्स कि जो कंसेंसिस है वो चूँकि सीनियर लोग हैं तो आपस में बैठ के कंसेंसिस कर लेते हैं कि किस तरह से मामला को चलाया जाए तो वो जो कंसेंसिस का नॉलेज है उनके पास उसे कैप्चर किया जा सकता है थ्रू uh, इंटरव्यूज़ या स्टोरी टेलिंग उसके बाद क्राइटेरिया फॉर एवेल्यूशन ऑफ़ इंटेलेक्चुअल एसेट्स बिज़नेस वैल्यू कि जो इंटेलेक्चुअल एसेट्स की बिज़नेस वैल्यू है इस वक्त वो कितना इंपॉर्टेंट है कितना क्रिटिकल लेवल नॉलेज उसके बारे में क्राइटेरिया बनाने का काम भी एक्जक्टिव लेवल पर हो सकता है इसमें टेंजिबल्स क्या होते हैं इसमें टेंजिबल्स ये हैं कि मैप ऑफ की इंटेलेक्चुअल एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अगर आप उनके साथ मिल बैठ के उनका इंटरव्यू करते हैं तो वो आपको बताएंगे कि इंटेलेक्चुअल एसेट्स जो हैं वो कौन से हैं उनकी आप लिस्टिंग कर सकते हैं उनकी मैपिंग कर सकते हैं फिर ऑर्गेनाइजेशनल लेक्सिकॉन ऑफ़ की कन्सेप्ट जो की कन्सेप्ट हैं उनकी टर्नोलॉजी की डेफिनेशनज़ और डिक्शनरी एक बन सकती है ये लेक्सिकॉन एक डिक्शनरी को कहते हैं जिसमें अल्फाज उनके मीनिंग होते हैं तो इस तरह की एक डिक्शनरी बन सकती है जिसमें की कन्सैप्ट जो हैं वो आ जाते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के उसके बाद स्प्रिंग बोर्ड स्टोरीज़ कि ये आप एक नॉलेज की शेयरिंग का एक तरीका है जिसमें वो बैठ के तो नए जो एम्प्लॉज़ हैं उन उनको उनको काम सिखाते हैं फिर है हिस्टोरिकल नॉलेज वो चूँकि सीनियर हैं उन्होंने ज़्यादा इम्कान है कि ज़्यादा टाइम गुजारा होगा इस इंडस्ट्री में इस 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 फॉर्म या कंपनी में तो उनके पास जो है वो हिस्टोरिकल नॉलेज भी होता है जिसको हम ऑर्गेनाइजेशनल सागा भी कहते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन का जितनी भी निटिग्रिटी है जितनी भी उसकी तफसील है वो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उनके सामने उनके सामने बहुत सारे वाक़ हुए होते हैं बहुत सारी अच्छी प्रैक्टिसेस और बहुत सारे फेलियर्स हुए होते हैं और वो उसके मुहाफ़ होते हैं तो उनसे आप कैप्चर करके दूसरे एम्प्लॉइज़ तक उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं